स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस केपी कृष्णन। इस केस में फायरस्टोन टायर्स एंड रबर कंपनी और उसके वर्कमैन के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। ये डिस्प्यूट कंसिलेशन में जाता है, लेकिन कंसिलेशन ऑफिसर भी दोनों पार्टीज में कोई समझौता नहीं करा पाता, तो वो एक फेलियर रिपोर्ट तैयार करता है और गवर्नमेंट को सेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे रिफ्यूज़ कर देती है उस डिस्प्यूट को रेफ़र करने से किसी भी ट्रिब्यूनल में, क्योंकि वो मानती है कि वर्कर्स जो हैं उन्होंने स्लो काम किया 1952 और 1953 के दौरान। तो गवर्नमेंट सिर्फ इसी कंसिडरेशन पर कि वर्कर्स ने स्लो काम किया उनकी डिस्प्यूट को रेफर करने से मना कर देती है। लेकिन केस जब हाईकोर्ट पहुंचता है तो हाईकोर्ट ये डिसीजन सुनाती है कि सेक्शन 12 क्लोज 5 एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है गवर्नमेंट पर कि वो रेफर करे डिस्प्यूट को जब गवर्नमेंट को लगे कि ये डिस्प्यूट रेफर किया जाना चाहिए। और हाईकोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि गवर्नमेंट का यहाँ पर डिस्प्यूट को रेफ़र करने का जो रेफ्यूज़ल है, गवर्नमेंट जो मना कर रही है, वो काफ़ी इररेलीवेंट कंसिडरेशन पर बेस्ड है। और हाईकोर्ट ये कहती है कि जब गवर्नमेंट इस तरह के इररेलीवेंट कंसिडरेशन के बेसिस पर डिस्प्यूट को रेफ़र करने से मना करती है, तो वर्कर्स के पास राइट है कि वो रिट ऑफ मैंडमस के थ्रू गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकें। हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के डिसीजन से एग्री करते हुए ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कंसिलेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए ये डिसाइड करे कि क्या इस डिस्प्यूट की रेफरेंस की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट मना करती है रेफर करने से किसी डिस्प्यूट को, तो गवर्नमेंट को रीजंस देने होंगे कि वो क्यों नहीं रेफर कर रही। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 12 क्लोज 5 को रीड किया सेक्शन 10 क्लोज 1 के साथ। देन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया सेक्शन 13 क्लोज 4 को, जो ये कहता है कि किसी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट को अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर नहीं करती किसी भी लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रीजंस देने होंगे पार्टीज को कि वो क्यों नहीं रेफर कर रही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कंसिलिएशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट ये डिसीजन ना ले कि ये डिस्प्यूट रेफर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंसिलिएशन ऑफिसर की रिपोर्ट के साथ साथ दूसरे रेलिवेंट फैक्ट्स को भी कंसिडर करे। गवर्नमेंट इररेलीवेंट या एक्सट्रीनियस कंसिडरेशन के बेसिस पर डिस्प्यूट को रेफर करने से मना नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर यह ऑब्जर्व करती है कि इस प्रेजेंट केस में भी गवर्नमेंट ने इररेलीवेंट कंसिडरेशन के बेसिस पर डिस्प्यूट को रेफर करने से मना किया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसलिए मना किया है क्योंकि वर्कर्स ने 1952 और 1953 में स्लो काम किया, लेकिन बाद में जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने अपनी इच्छा से ही वर्कमैन को बोनस दिया, जो ये शो करता है कि वर्कर्स ने बेहतर काम किया ना कि स्लो काम किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इररेलीवेंट कंसिडरेशन के बेसिस पर डिस्प्यूट को रेफर ना करने का डिसीजन लिया है, और इस तरह के केसेस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू की जा सकती है।